बहुत समीक्षा सम्मेलन का हुआ आयोजन। पूर्व ब्लॉक प्रमुख मीना संखवार ने पुष्प कुक्ष देकर किया मुख्य अतिथि का स्वागत। नगर स्थित एक निजी गेस्ट हाउस में रविवार को समाजवादी पार्टी द्वारा अपना बूथ करो मजबूत के तहत बूथ समीक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों सपा कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री के गौतम का कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। वहीं पूर्व ब्लॉक प्रमुख मीना शंखवार ने पुष्प गुच्छ देकर पूर्व कैबिनेट मंत्री का स्वागत किया। वहीं अनिल सोनकर वारसी ने मोमेंटो देकर पूर्व कैबिनेट मंत्री का स्वागत किया। समीक्षा सम्मेलन में संबोधन के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री के गौतम ने कहा कि आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का समर्थन करें और पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि जब पार्टी का बूथ मजबूत होगा तभी मौजूदा सरकार को जड़ से उखाड़ फेंका जा सकेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य करें और एक बार फिर अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। समीक्षा बैठक के दौरान अध्यक्ष कानपुर ग्रामीण राजेंद्र सिंह यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख मीना शंखवार, विनोद कुमार कोरी, जिला पंचायत सदस्य सोमवती शंखवार, प्रवीण पंकज सहित दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कि वो पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें लाइव टीवी समाचार। हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और होते रहिए हर खबरों से रूबरू। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत।